हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट एसेम्बल। आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आपका जो एसे का इंटरफेस होता है, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप लोग करते हो आफ्टर योर मेंस पेपर इज ऑब्जेक्टिव पेपर इज ओवर, तब जो आपका इंटरफेस आता है वो किस तरह का होता है, इंटरफेस के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, बिकॉज देर आर मैनी क्वेरीज। एंड जब मैंने आपका एग्जाम दिया था IBPS PO मेंस का, तो आई ऑल्सो फेस सर्टन इश्यूज जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पता रहेगा तो फिर आप वहाँ पे ब्लंडर कर दोगे। यू विल राइट समवेयर एल्स और आपका वो लिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं वहाँ लिख रहा हूँ लेकिन वो दूसरी जगह लिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को लेटर और लाइक ऐसे का डेमो देखना है कि हमें कैसे लिखना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आपको आई बटन पे वो मिल जाएगा। सो लेट अस नाउ डाइव डीप इनटू द इंटरफेस की इंटरफेस किस तरह से दिखता है। सो आई हैव ट्राइड कि आपको एक एग्जैक्ट रेप्लिका देने की कोशिश करूं कि आपका किस तरह से इंटरफेस रहेगा। सो ये आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है, ठीक है, उसमें आप देखोगे तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सो दिस इज पार्ट वन एंड पार्ट टू, जहां पे एक होगा पार्ट आपका राइट हैंड साइड वाला, दैट इज द राइटिंग स्पेस, जहां पे ऊपर आपको यहां पे टाइमर दिखेगा एंड यहां पे आपको कितने वर्ड्स, अभी तो यहां पे कुछ अगर नहीं लिखोगे तो जीरो वर्ड्स लिखा रहेगा, ठीक है। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी सर्टेन इंस्ट्रक्शंस विल बी देयर एंड देन क्वेश्चन रहेगा। अब वो डिपेंड करता है कि पहला क्वेश्चन आपका, जनरली पहला क्वेश्चन आपका एसे का रहता है, यहाँ लेटर भी हो सकता है। तो जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन दिया है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक से आपको चूज करना है, जैसे ABC मैंने यहाँ पे दिया है, दी आर द हॉट टॉपिक्स फ्रॉम 2022। और वर्ड्स यहाँ पे मैंने देखो ध्यान से आपका रेड कलर से दिया है, जानबूझ के ये रेड कलर से दिया है कि यहाँ पे मैं 200 लिख दूँ या 250 लिख दूँ, ठीक है। तो वो आपको देख लेना है कि कितने वर्ड्स में मुझे एग्जाम में पूछा गया है। कई बार क्या होगा, जब पहले देते थे तो 250 वर्ड्स देते थे, बट लास्ट टाइम दे हैव गिवन ओनली 200 वर्ड्स, सो इट मे वैरी, ठीक है, 250 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि कितने वर्ड्स लिखे हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ 200, एग्जाम में आपका 250 बोल दिया या उसने 150 बोल दिया और आप वो नहीं देखे और तुरंत ही लिखने लग गए। आपको ये केयरफुल रखना पड़ेगा कि कितने वर्ड्स का बोला गया है, ठीक है। लेटर राइटिंग जनरली आपका 150 वर्ड्स का होता है, बट ऐसे में दे कैन वैरी, तो आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा कि कितने वर्ड्स में लिखना है। नाउ उसके बाद यहाँ ऊपर एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस में आपको पता ही है कि द टेस्ट ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट्स का होता है, कंसोलिडेटेड मिलेगा आपको एसे और लेटर दोनों के लिए। देन यू हैव टू राइट ओनली अ सिंगल एसे, है ना, तीन आपके पास है तो उसमें से एक सिंगल एसे लिखना है एंड एक लेटर आउट ऑफ द थ्री चॉइसेस। एंड यहाँ पे थर्ड इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि दे विल ऑल्सो राइट दिस, ठीक है, कि यू कांट प्रेस एंटर आफ्टर स्पेस। स्पेस देने के बाद आप एंटर नहीं दबा सकते, एल्स आपका क्या होगा, कीबोर्ड जो है वो लॉक हो जाता है, ठीक है। पैनिक करने की जरूरत नहीं, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप स्पेस अगर दे देते हो, आप ग्रामरली अगर यूज कर रहे हो आप लोग, तो आपको पता होगा कि ग्रामरली में आप एक स्पेस तो अलाउ कर सकते हो, लेकिन जैसे ही दूसरा स्पेस देके एक नया वर्ड लिखोगे ना, तो यहाँ पे वो क्या दे देता है, एरर देने लगता है, ठीक है, अगर आप लोग ने ग्रामरली यूज किया है तो। तो सेम यहाँ पे भी है कि अगर आप स्पेस देके एंटर दे रहे हो तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। दो आप सब्सिक्वेंट स्पेस साथ साथ कॉन्सिक्यूटिव स्पेस नहीं दे सकते, एक ही स्पेस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि AI वो आपका चेक कर रहा है, तो AI विल कंसिडर दिस एज एन एरर, राइट। क्योंकि जब ग्रामरली आप यूज करते हैं, आपको पता भी होगा, ग्रामरली आप खुद से एक क्या कीजिएगा, आप उसके वेबसाइट पे जाइए, व्हेन यू ट्राई टू टाइप समथिंग एंड दो स्पेस दे दो आप, तो वो देखना आपको रेड वहां पे दिखा देगा। तो AI को भी वो चीज क्या है, तुरंत ही उसमें इनबिल्ट होगी ना कि आप एक स्पेस अब दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट दिस कि आप दो स्पेस ना दें, क्योंकि वो आपका एरर की तरह काउंट किया जाएगा एंड दैट मे हैम्पर योर मार्क्स। ओके, सो एक ही स्पेस देके ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, इसीलिए यहाँ पे लिख के दिया है उन्होंने कि ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। तो हमने क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि एक तो क्या है कि आप स्पेस के बाद एंटर नहीं दे सकते, दैट इज फर्स्ट थिंग, ठीक है, और डबल स्पेस भी नहीं दोगे, क्योंकि डबल स्पेस जैसे मैंने आपको बोला कि ग्रामरली में एरर दिखाता है तो वो AI ही चेक करता है। सिमिलरली आपके एग्जाम में भी AI रहेगा, तो उसमें भी आपका वही लाइक एल्गोरिथम रहेगा कि डबल स्पेस को आपको अलाउ नहीं रहेगा, तो डोंट यूज डबल स्पेस, ठीक है। अच्छा, देर वॉज वन मोर क्वेश्चन दैट वॉज आस्क्ड कि सर फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं क्या, फॉन्ट साइज जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं क्या? नहीं, फॉन्ट साइज आप इंक्रीज नहीं कर सकते। हाँ, आप क्या कर सकते हो, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जो है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जो है ना वो यूज कर सकते हो यूजिंग द हेल्प ऑफ शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट प्लस लेटर को यूज करके। जैसे आप मान लीजिए कि A को आप लिखना चाहते हो, कैपिटल A लिखना चाहते हो, तो शिफ्ट यूज कीजिए एंड ये कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसका साइज अभी मान लीजिए कि A जो मैंने लिखा या आंसर मैंने लिखा, ठीक है, इस आंसर का साइज अभी 12 साइज है, ठीक है, आप लोग जैसे वर्ड में लिखते होगे तो आपको दिखता है ना कि इतना साइज है, आप चाहते हो कि नहीं इसको मैं 20 कर दूं, क्योंकि आप लोगों को मन करेगा कि सर ऐसे का जो आपका टॉपिक है ना उसको मैं बोल्ड में लिख दूं, ठीक है, बोल्ड करके एकदम बढ़िया से लिख दूं, लेकिन वो नहीं होगा, ठीक है, अंडरलाइन भी वहां पे नहीं होता है, तो यू कैनॉट यूज ऑल दिस थिंग्स, तो ये पहले से ही आप दिमाग से हटा लीजिए, ठीक है। शिफ्ट से आपको
कैप्स लॉक में लेके जाना है, जो भी आप कैपिटल में लिखना चाहते हैं वो करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्पेस के बाद एंटर नहीं होगा, डबल स्पेस नहीं होगा, यू कांट इंक्रीज द फॉन्ट साइज। नाउ फोर्थ क्वेश्चन वाज कि एरर को कैसे ठीक करें, क्योंकि कई बार क्या होगा ना, हम जब यहाँ पे घर पे टाइप करते रहते हैं तो इंटरफेस बहुत यूजर फ्रेंडली है, ठीक है, एग्जाम का इंटरफेस थोड़ा अलग होता है, तो आप जब वहाँ पे जाके एरर को चेक करोगे कि हाँ यार ये गलत हो गया, अभी घर पे जब करते हो तो क्या करते हो कि आप देखते हो कि यार ये देखो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे स्पेस की जगह ना डी लिख दिया तो गलत है, तो आप क्या करते हो, इसको कैंसिल करते हो और यहाँ ई लिख देते हो, है ना, बैक स्पेस से आपने काटा और लिख दिया। या फिर आपको मान लीजिए कि ये वर्ड नहीं लिखना था, कई बार क्या होता है ना कि हम जब फ्लो में रहते हैं लिखने के तो हमें लगता है हमारा माइंड सही लिख रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग गलती से एंड दो बार लिख देते हैं, तो अब ये दो बार जो मैंने एंड लिख दिया, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ प्रॉब्लम, ये मेरे को हटाना पड़ेगा। और एग्जाम में क्या होगा, यू विल सी कि जैसे ही आप इसको हटाने जाओगे तो वो आपका जो कर्सर है ना वो मूवमेंट करने लग जाता है दूसरी जगह पे, जैसे यहाँ पे आपने किया तो वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। आप नेक्स्ट, या फिर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे एक वर्ड भूल गए आप, आपको इंसर्ट करना है तो वो इंसर्ट करने नहीं देगा वर्ड आपको। सो हाउ वी हैव टू इंसर्ट दैट पर्टिकुलर लाइक वर्ड, वहाँ पे कैसे इंसर्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो उसके लिए मैं आपको जस्ट इन सब सारी चीज़ों को हटाता हूँ, एंड एरर जो इंपॉर्टेंट है वही बहुत ज़्यादा पूछा गया था मेरे को, एंड दिस हैज़ हैपेंड टू मी इन IBPS PO mains। जब मैं ऐसे लिख रहा था हमारे टाइम पे, आई रिकॉल कि मेरा जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर था उसमें देर वॉज दिस टॉपिक कि जो आपका वॉकिंग है ना, वॉकिंग इज मोर बेनिफिशियल देन लाइक जिम में जाने का, ठीक है, कि अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक लेते हो तो दैट इज़ अ गुड थिंग कंपेयर टू डूइंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। सो उसके ऊपर लिख रहा था तो आई रोट द ऐसे, ठीक है। अब मैंने जब चेक करना स्टार्ट किया, क्योंकि ऑलवेज यू हैव टू प्रूफ रीड, है ना, प्रूफ रीडिंग क्या होती है कि जो आपने लिखा उसको एक बार चेक भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे AI चेक करेगा तो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह वो आपको ध्यान रखना है। तो व्हाइल आई वाज चेकिंग तो मैंने देखा कि कुछ वर्ड्स मैंने लाइक मिस कर दिए हैं, या फिर उसमें एस लगा दिया, या फिर किसी में स्पेलिंग गलत हो गई, तो वो जब मैं फिक्स करने लगा तो देर वॉज इट वॉज नॉट हैपनिंग, ठीक है। सो उस टाइम थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, आप पैनिक भी कर सकते हो कि क्या हो गया, ये तो हो ही नहीं रहा, ठीक है, या फिर आप अपने जो सामने आपके इन्विजिलेटर हैं उनको बुलाने लग जाओगे, तो इट इज़ बेटर कि आपको पता होना चाहिए कैसे करोगे। और कई बार आपने ऐसे भी देखा होगा, फ़ोन पे भी जब टाइप करते रहते हैं ना तो होता नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, जैसे आप अगर iPad यूज़ करते हो या फिर कोई पर्टिकुलर साइट पे जहाँ पे टाइपिंग आपको करनी है, या फिर मैसेंजर पे भी कई बार हम जब लिखते रहते हैं तो यू विल सी कि वो आपको करने नहीं दे रहा, वो तुरंत ही क्या करता है, कर्सर को उठा के सबसे ऊपर आगे भेज देते हैं। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आपने एक्सपीरियंस किया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो इस चीज़ को कैसे फिक्स करना है वो हम लोग देखते हैं। अब उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंटरफेस और जो है ना राइटिंग वाला, क्योंकि आपको लग तो रहा होगा कि सर ठीक है ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ऐसे या लेटर का, देयर विल बी थ्री ऑप्शन जिसमें चूज करना है, देन प्रीवियस एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट को यूज़ करके आप लेटर राइटिंग पे स्विच करोगे, ठीक है। अब जब लिखना है तो ये लिखने वाला पोर्शन पे थोड़ा हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, ध्यान देना अच्छे से। ये जो राइटिंग पोर्शन है, ठीक है, ये राइटिंग पोर्शन इज नॉट लिमिटेड टू दिस स्क्रीन। आपने जनरली देखा होगा जब DI के क्वेश्चंस वगैरह आप लोग करते हो तो DI में जब अगर बहुत बड़ा सा बारग्राफ दे देता है तो आधा बारग्राफ आपको यहाँ दिखता रहता है और आधा क्या होता है अंदर की तरफ रहता है, तो यहाँ पे आपको स्क्रोल बार दिया जाता है ना कि स्क्रोल करके आप इस तरफ से आगे पीछे जा सको, ठीक है। तो सेम इज विथ दिस इंटरफेस, ये इंटरफेस आपका किस तरह से रहेगा तो मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक आर्टिकल का पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस स्पेस के अंदर, वेट आपको, आप लोगों को मे बी ना दिख रहा हो, जस्ट लेट मी टर्न ऑन दिस, वेट अभी दिख रहा है ना, हाँ। तो जैसे देखो मैंने क्या किया, ये जो बॉक्स था, ठीक है, इस बॉक्स को आप देखोगे बॉक्स के ऊपर मैंने क्या किया, नोट पैड यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, एंड दिस इज जस्ट फॉर कि आप लोगों को समझाने में मेरे को आसानी हो। तो आप यहाँ देखोगे कि इसके नीचे यहाँ पे क्या है, ये स्क्रोल वाला बटन है ना कि आप स्क्रोल करके इस तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ही आपके एग्जाम में होगा, और यहाँ पे भी ऊपर से नीचे जाने के लिए भी ऊपर वाला ये वाला वर्टिकल स्क्रोल और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रोल रहेगा, ठीक है। सो आप लिखोगे आपको दिखेगा इतना ही, लेकिन अंदर भी जाके वो लिखा रहेगा, ठीक है। सो इसको यूज़ करना है तो आप क्या करना कि अभी आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते हो तो नो डाउट यू आर यूजिंग दिस वर्ड, है ना, सारी चीज़ें यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आता है क्योंकि कुछ भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट एग्जाम का जो सिचुएशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और यहाँ पे अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। सो इट इज़ बेटर कि आप क्या कीजिए कि नोट पैड में प्रैक्टिस करिए, आपने जितने भी आप लाइक ऐसे टाइप करते हो या लेटर टाइप करते हो तो आप नोट पैड की यूज़ कीजिए। तो नोट पैड में आप इस तरह का इंटरफेस बना लो, जैसे क्या करो कि एक कोई पैराग्राफ कहीं से कॉपी किया और उसको लिख दिया पूरा यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि थोड़ा इधर भी चला गया, और इस बॉक्स को थोड़ा छोटा कर लो जिससे कि आपके पास नीचे वाला ये जो स्क्रोल बार है ये भी आ जाए और ये आपका ये भी आ जाए, एंड नाउ यू स्टार्ट टाइपिंग, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे देखो आपने यहाँ पे लिखा,
यहां तक आपको लग रहा है कि यहीं पे खत्म होगा, बट नो, दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर, आपके अंदर भी जाएगा, ठीक है। अब वहां जाने के लिए क्या करना है आपको, तो इससे स्क्रोल करके आप इधर जाओगे, देखोगे, देन यू विल कम बैक अगेन नेक्स्ट लाइन से, ठीक है। जस्ट कीप इन माइंड कि आपको वो जो मैंने बताया कि स्पेस के बाद एंटर ये सब नहीं लगाना है, बी माइंडफुल हमेशा, क्योंकि अगर वो रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जहां पे भी आपको लगता है कि हाँ मैं स्पेस के पास जैसे एंटर आप दबाओगे ना, तो आपको नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा ही नहीं, तो आप देख लेना कि मैंने एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं दिया, तो बैक स्पेस से स्पेस को काटोगे एंड देन आप करोगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका इंटरफेस कि आपको राइटिंग वाला पार्ट किस तरह से दिखेगा। नाउ अब आता है क्वेश्चन कि सर अगर मेरे गलती हो जाती है कहीं, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने ये आर्मी मिस कर गया मैं, ठीक है, एंड आर्मी ऑफ डॉक्टर्स मिस कर गया, अब क्या करें, इसको कैसे लिखोगे? तो अब जब एग्जाम में जाओगे आप इसको प्रूफ रीड करने के टाइम आप जाके लिखना चाहते हो कि यहाँ पे एक आर्मी वर्ड डाल दूँ, तो वो आपको लिखने नहीं देगा। जैसे अभी यहाँ तो मैं लिख पा रहा हूँ, वहाँ नहीं देगा, तो आप क्या कर सकते हो, और ये मे बी आप लोगों ने को भी ऑलरेडी पता होगा कि आप क्या कीजिए, इस ए एन वाले वर्ड के पास चले जाइए। कहाँ चले जाइए, ये जो ए एन वर्ड लिखा है ना इसके पास चले जाइए। यू राइट ए के बाद एन यहाँ लिख दीजिए, एक स्पेस दीजिए आर्मी, ठीक है, एंड देन यू कम बैक एंड देन स्पेस दबा दीजिए, बैक स्पेस दबा के काट दीजिए, ठीक है, तब आपको वो करने देगा। क्या बोला मैंने कि कोई भी उसके आसपास सामने वाला जो वर्ड है आप उसको चूज कर लीजिए, आइदर इट कैन बी द फर्स्ट वर्ड जो उसके जस्ट आगे वाला वर्ड है, जैसे मैंने एन को यूज किया आप इसको कर सकते हैं, या फिर आप ऑफ के इधर लिख दो। और जैसे मान लो देखो मैं ऑफ से करना चाहता अगर यही चीज़, तो मैं कैसे करता, मैं क्या करता, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ जाके मैं आर्मी लिख देता, ठीक है, और उसके बाद एक स्पेस दे दो, यहाँ पे आइए इसको बैक स्पेस से काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे को लगता है, मेरे को अब बहुत टाइम हो गया मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि इस ये जो राइटिंग इंटरफेस है आपका, इसके अंदर मे भी आपका ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से कर्सर एक ही बार उठा के यहाँ ला सकते हो, ठीक है, बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है मे भी माउस आपको वो अलाउ नहीं करता है कि आप यहाँ से उठा के यहाँ चले गए, यहाँ से आप क्या पता आप आजकल आपको दे रहे होंगे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम में जैसा आपके साथ होता है। बट जहाँ तक मुझे याद है कि हमारे टाइम पे क्या होता था कि वी हैव टू यूज़ द एरो की, जो आपको लैपटॉप में सॉरी वहाँ पे कीबोर्ड पे जो दिखेगा ना एरो की से ऊपर नीचे जाना होता था, ठीक है। आप जैसे मैं यहाँ पे माउस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एरो की से ऊपर नीचे जा रहा हूँ जहाँ जहाँ जाना है, तो थोड़ा वहाँ पे भी टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो देख लीजिएगा कि आप लोगों का किस तरह का इंटरफेस है। अच्छा, देर इज़ वन मोर थिंग कि आपका जो कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर जब आप लोग जैसे मान लीजिए कि आप जब लेटर राइटिंग लिखोगे तो आपके पास नंबर लिखना है ना, डेट लिखते हो आप, ये सब सारी चीज़ें, तो कीबोर्ड का जो नंबर पैड है ना, आप जब देखोगे कीबोर्ड में नम पैड होता है ना जहाँ पे नंबर लिखा होता है, वो यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। जो आपका कीबोर्ड वाले में ऊपर में यहाँ पे जब क्वार्टी वगैरह लिखा है, यहाँ पे जो नंबर लिखे होते हैं ना, ठीक है, सिंबल के साथ, उसी को यूज़ करना है, शिफ्ट दबा के आप उसको यूज़ करोगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है, वही वाले यूज़ करने हैं, वो यूज़ नहीं होगा जो आप बैंक में, अगर आप बैंक में काम करते हो तो हम हमेशा वही यूज़ करते हैं, है ना, कि उधर से फटाफट अकाउंट नंबर वगैरह लिखा। लेकिन जनरली आपकी अगर आदत वो रह चुकी है तो प्लीज़ इस आदत को चेंज कर लीजिएगा व्हाइल यू आर राइटिंग दिस डिस्क्रिप्टिव पार्ट। सो आई गेस आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेरीज कि एरर वाले पार्ट को कैसे करना है आपको, ठीक है, देन डबल एंटर आपको नहीं दबाना है, डबल स्पेस नहीं दबाना है, स्पेस के बाद एंटर आपको नहीं दबाना है, ठीक है, दे विल बी क्लियरली मैंशनिंग दिस थिंग, ठीक है, इन द इंस्ट्रक्शन। बस और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बताया कि आप दो जब एरर को ठीक करने जाओगे तो वो करने नहीं देगा, फॉन्ट इंक्रीज नहीं कर सकते, शिफ्ट करके आप जो है कैप्स लॉक कर सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा सेंटेंस अवॉइड करना कि पूरा का पूरा एक, मतलब जब आप ऐसे लिखते हो ना तो हमारा मन करता है कि हम क्या करें, बीच में जाके यहाँ पे एक टाइटल दे दें, तो अवॉइड दिस, आप यहीं से लिखिए, ठीक है। और ये जो नंबर वाला यहाँ पे काउंट है, ये जैसे जैसे आप, जैसे मान लो कि मैं ए लिखूंगा तो ये वन हो जाएगा, ए एन लिखूंगा तो टू हो जाएगा, आंसर लिखूंगा तो ये तीन हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जितने भी, देखो मैं ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगा वीडियो, बट जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ प्लीज़ मेक श्योर टू नोट दिस, ठीक है, इन योर एक कोई रफ शीट में नोट कर लीजिए, उसको ध्यान रखिएगा एग्जाम से पहले। और एक और चीज़ है कि जैसे देखो आप लिखोगे, मान लीजिए ऐसे लिखना चाहते हो, ठीक है, तो ऐसे में आपको तीन ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बच्चे यहाँ पे इसको मिस कर जाते हैं, हर बार ही मेरे पास मैसेज आता है कि सर मैं ये ब्लंडर करके आ गया, तो डोंट डू दिस ब्लंडर। कि जैसे मान लो आप किस पे लिखना चाहते हो, ए बी और सी पे, तो आप उसको मेंशन कीजिए, ठीक है, कि आई एम राइटिंग फॉर ऑप्शन नंबर बी फॉर एग्जाम्पल, या फिर सी के लिए लिखना चाहता हूँ, ऐसे करना है, ठीक है। ये नहीं लिखोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा, एंड देन आप एंटर करके सेकेंड लाइन पे आइए, यहाँ से अपना टाइटल यहाँ लिखोगे, ठीक है, यहाँ आपका टाइटल हो गया, टाइटल आपने जो भी ऐसे का लिखा, जैसे ये अर्बन फ्लडिंग है ना, ये लिखना है आपको, एंड देन यू विल कम बैक टू द, यहाँ पे स्पेस मत देना, ठीक है, कहीं पे भी स्पेस देंगे, लेटर राइटिंग में भी आपको, जैसे जनरली हम क्या करते हैं जब सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना, ऊपर यहाँ पे सैल्यूटेशन दिया, जब यहाँ पे एक गैप करके यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो हम गैप दे देते हैं, या फिर थैंकिंग यू जब भी लिखते हैं तब भी वहाँ पे स्पेस दे देते हैं, तो यू हैव टू अवॉइड दिस, क्योंकि वो नहीं करना है,
उतने में ही हो जाएगा, ठीक है, AI won't be judging that part, आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों का मैं आंसर कर दिया है इसमें। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो मतलब सॉरी कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर देयर, या फिर अगर होगा तो उस क्वेरीज को लेके भी एक मैं अगर अलग वीडियो होता है तो वीडियो कवर कर दूंगा। बट आई होप कि मैंने आंसर कर ही दिया, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कवर कर दी हैं, एकदम एग्जैक्ट इसी तरह का इंटरफेस रहेगा जहां तक मुझे याद है, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कितने वर्ड्स के लिए बोल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग जो घर पे प्रैक्टिस करें तो जैसे मैंने ये नोटपैड वाला दिखाया आपको, इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आप यहाँ पे भी स्क्रोल वाला पार्ट थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, क्योंकि अगर आप टाइपिंग आपकी स्पीड अच्छी नहीं है ना तो यू विल लैग बिहाइंड, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि क्या पता आप दोनों खत्म ना कर पाओ, इसीलिए अभी से यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। और जो एरर्स मैंने बताए, आप पैनिक मत करना, क्या होगा ना कि जब आप यहाँ पे करने जाओगे, जैसे मेरे को पेरेंट्स नहीं लिखना है तो वो करने नहीं देगा, वो तुरंत उठा के ना आपको लास्ट लाइन पे लेके आ जाएगा, ठीक है। यू विल सी कि जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ना, तो अभी तो मैं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, कि एफ ए सी ई लिख दिया मैंने मान लो, ठीक है। अब ये वो लिखने नहीं देगा, वो जैसे ही आप यहाँ पे एफ क्लिक करोगे ना तो वो आपको क्या करेगा, लास्ट लाइन जो है इसका है यहाँ पे यहाँ भेज देगा, और यहाँ पे फेस लिखा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो बी माइंडफुल ऑफ दिस कि आपको कैसे करना है, आप क्या करोगे, सामने वाले जैसे ये विथ है, विथ के साथ मुझे यहाँ पे बीच में इंसर्ट करना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ तो अंदर आ जाइए इसके, ठीक है, यहाँ एच डाल दीजिए और फेस, ठीक है, और इसको जाके स्पेस। दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड यू विल एस इन योर डिस्क्रिप्टिव। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।